भी है एक यूट्यूबर और आपका भी यूट्यूब से पैसा आने वाला है और आपका मेल भी आ चुका है कि चेक योर रिसेंट पेमेंट, लेकिन अभी तक आपका पैसा बैंक में नहीं आया है। तो इस वीडियो को फुल देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका भी मेल आ चुका है एडसेंस के तरफ से अपने जीमेल पर कि आपका पैसा वहाँ से चल दिया है, यानी रिसेंट पेमेंट चेक करने का ऑप्शन आ चुका है, उसके बाद भी 5 दिन हो चुका है और आपका पेमेंट नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा। और मेरा भी पैसा अब आ चुका है, अगला वीडियो में आपको पता चलेगा कि मेरा पैसा कितना है और कैसे कैसे मुझे क्या करना पड़ा कि मेरा पैसा बैंक में आया है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका अगर पैसा नहीं आया है, 5 दिन से ज़्यादा हो गया है, जैसे कि मैं यहाँ स्क्रीनशॉट एक लगा देता हूँ, इस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है कि 5 दिनों के अंदर आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन 5 दिन मेरा हो चुका था तब भी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया था, लेकिन अब मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका है। मैं क्या क्या किया, कहाँ गया, किया किससे बात किया, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम, आप देख रहे हैं सुपर टेक सत्यम। तो चलिए आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं, बिना कराए आपको बोर, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो को तो फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका पैसा नहीं भी आया है अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो कभी ना कभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आपका यूट्यूब पेमेंट जरूर आएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। जब एडसेंस अकाउंट आप बनाइएगा तो यूट्यूब से लिंक कीजिएगा, सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाने का बटन मिलेगा, उस पर जाके आप एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। बनाने के बाद आपका जैसे ही $10 कंप्लीट होगा तो आपका एडसेंस वेरिफिकेशन के लिए आपके एड्रेस पर जो पैन कार्ड आप दिए होंगे उसके एड्रेस पर आपको पिन डिलीवर होगा, जो कि 6 डिजिट का एक OTP रहता है, OTP टाइप पिन रहता है। उसको आप जैसे ही एडसेंस अकाउंट में जाके डालिएगा तो वहाँ पर आपको वेट करने के लिए कहेगा $100 कंप्लीट होने तक। और जैसे ही आपका $100 कंप्लीट होगा एडसेंस अकाउंट में, यानी यूट्यूब से आप $100 अर्न कर लिए होंगे, तो उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट लिंक करने का। ये बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन कभी कभी पहले भी आ जाता है, तो उसमें बैंक अकाउंट लिंक करने में आपको स्विफ्ट कोड चाहिए होगा, जैसे एक IFC कोड होता है जो कि इंडिया में वर्क करता है, और एक स्विफ्ट कोड होता है जो कि बाहर से अगर पेमेंट आपका आने वाला है तो उसमें एक स्विफ्ट कोड होता है। तो वो स्विफ्ट कोड आपको कहाँ से पता चलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो स्विफ्ट कोड आपको अपने बैंक के ब्रांच में पता चलेगा। आपको सीधे क्या करना है कि मैनेजर पास जाना है, जो बैंक का मैनेजर होगा उनके पास जाना है। उनके पास जाने के बाद आपको कहना है कि मेरा बाहर से पेमेंट आने वाला है। आपको ये नहीं बताना कि यूट्यूब से आने वाला है, पहले नहीं बताना है, क्योंकि बहुत मैं एक SBI के अकाउंट में गया, यानी मेरे गाँव में एक SBI बैंक है, तो उसमें गया तो उसमें पहले मैं बोला कि बैंक अकाउंट खोलना है, बाहर से पेमेंट आने वाला, तो वो कहा कि हाँ हो जाएगा। और जब मैं उसे बोला कि YouTube से पेमेंट आने वाला है, Google से आने वाला है, तो वो सीधे कह दिया कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ये नहीं बोलना है कि YouTube से पेमेंट आने वाला है, सबसे पहले आपको बोलना है कि मेरा बाहर से पेमेंट आने वाला है, मुझे स्विफ्ट कोड दे दिए। तो स्विफ्ट कोड वो दे देंगे। अगर आपका स्विफ्ट कोड उस बैंक का नहीं होगा तो आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम से। जैसे मेरा बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट था और मेरा डिस्ट्रिक्ट है पटना, तो मैं क्या किया, बैंक ऑफ इंडिया स्विफ्ट कोड पटना सर्च किया गूगल पर, तो मेरा बैंक का स्विफ्ट कोड आ गया। वो स्विफ्ट कोड में वहाँ जो एडिशंस में पूछा गया है उसमें डाल दिया। मैं आपको समझा देता हूँ, स्विफ्ट कोड डाल दिया, फिर IFSC कोड, फिर अकाउंट नंबर, फिर रिट्राई अकाउंट नंबर, यानी वही जो ऊपर डाले वही नीचे, फिर नेम। ये डालने के बाद आपको आपका जो $100 कंप्लीट हुआ है वो तुरंत ही विड्रॉल हो जाएगा। 1 से 2 मिनट या वेरिफिकेशन के लिए 10 मिनट 1 घंटा ले सकता है, और आपका वो पैसा जो $100 कंप्लीट हो चुका है वो विड्रॉल हो जाएगा। विड्रॉल होने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा कि आपके एडसेंस द्वारा रिसेंट पेमेंट चेक योर बैंक अकाउंट, ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और आपके एडसेंस अकाउंट का नंबर रहेगा और लिखा हुआ रहेगा कि 5 दिनों में आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ मेरे साथ दिक्कत क्या हुआ, मेरा 5 दिन कंप्लीट हो गया और मेरा पैसा बैंक अकाउंट में नहीं गया, तो मैं बैंक में गया, बैंक में मैंने से बात किया, तो पहले वहाँ से मुझे बात करना पड़ा US टैक्स के पास,
यानी मुझे नहीं बात करना पड़ा, मैनेजर खुद बात कर लिए। वो बहुत अच्छा मैनेजर थे इसलिए मुझे सब कुछ कुछ करना नहीं पड़ा, बस वो बात कर लिए। फिर वो पटना जो मेरा मेन ब्रांच था वहाँ बात किए, तो वहाँ पता चला कि मेरा जो खाता है वो जीरो बैलेंस जनधन खाता अकाउंट है। तो जीरो बैलेंस जनधन खाता अकाउंट में क्या होता है कि जो US ट्रांजेक्शन या बाहर का कोई ट्रांजेक्शन जो भी होता है वो अलाउड नहीं रहता है। उसको पहले आपको एक एप्लीकेशन देके और KYC फॉर्म कुछ इस प्रकार का रहता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और एप्लीकेशन देके नॉर्मल खाते में करवा सकते हैं। जैसे जो जनधन खाता जीरो बैलेंस अकाउंट था उसे आप नॉर्मल खाते में करवा सकते हैं, और करवाने के बाद 2 दिनों के अंदर आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। जैसे कि मेरे बैंक केस में यही हुआ, मेरा जनधन खाता अकाउंट था इसलिए मेरा पेमेंट अटका हुआ था, यानी वहाँ से रिलीज हो गया था लेकिन यहाँ आने में मेन ब्रांच में अटका हुआ था। तो मुझे अपना खाता को पहले नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ा, इसके बाद मेरा पेमेंट आया। पेमेंट आ चुका है, अभी इस वीडियो में मैं आपको पेमेंट नहीं बताऊंगा। अगर आपको जानना है कि मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया है तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल करके सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के, और बगल में बेल आइकन है उसे ऑल पर सेक कर दीजिए। ऑल पर सेक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा। और वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी जानने के लिए मिला हो, अगर आप यूट्यूबर हैं या नहीं हैं आपको इसमें कुछ ना कुछ जानने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आप यूट्यूबर बनना भी चाहते हैं तो आपको जानने के लिए मिला होगा, अगर आप यूट्यूबर हैं आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो भी आपको जानने के लिए मिला होगा। बस आपको ये करना है, बस आपका चैनल का जो भी पैसा है जो भी अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो ये खड़े कुटे, गुड बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।